तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम का सेकंड स्टेंजा हम वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। ऑन शावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लोरी टायरोलिस वैली ओपन हैंडेड मैप Avoiding the world its worth. Avoiding the world its worth. इस स्टेंजा में देखेंगे जो दीवारें हैं वो क्रीमी हैं, मतलब पीली पड़ चुकी हैं। सोर वर्ड आया है, सोर, खटांद आ रही है उसमें, जैसे पुरानी मिट्टी हो जाती ना, जब सीलन होती है उसमें अजीब सी महक आती, गंदी सी, वो महक आ रही है। और डोनेशन से मिली हुई दीवारों पर तस्वीरें हैं, शेक्सपियर की तस्वीर है और नीले आसमान की तस्वीर है, क्लाउडलेस, बिल्कुल साफ आसमान, और शहर के संभ्रांत स्थानों की तस्वीर है जहाँ पर जो शहर की बहुत ही पॉश एरियाज़ हैं, खूबसूरत जो यू नो जो लोकेशंस हैं वहाँ की तस्वीरें हैं, खूबसूरत झरने, खूबसूरत वादियाँ, एक वैली है एल्पाइन प्रोविंस से टायरोलिस वैली, उसकी तस्वीर है। लेखक ये कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि इन खूबसूरत तस्वीरों से इन बच्चों की तकदीर बदलने वाली नहीं, ज़रूरत इन तस्वीरों को लगाने की नहीं है, इन बच्चों की ज़िंदगी की तस्वीर बदलने की है। द नीड इज़ टू चेंज द पिक्चर ऑफ दी चिल्ड्रन ऑफ देयर फेट देयर फ्यूचर देयर डेस्टिनी नॉट टू सराउंड दीज चिल्ड्रन बाई सच ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। ये जो बच्चे हैं खूबसूरत, ये दुनिया के नक्शे लगे इनके चारों ओर। पोइट ये कहना चाहता है कि इन खिड़कियों के बाहर जो दुनिया है, उन खिड़कियों के ऊपर फॉग जमा हुआ है, ऐसे ही इनके भाग्य के ऊपर, इनके भविष्य के ऊपर ऐसा कोहरे की चादर है जिससे इनका भविष्य इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है और ना इसे ये देख पा रहे हैं। सबसे ज़रूरी उस फॉग को हटाना है, उस कोहरे को हटाना है, उस धुंध को हटाना है जो इनके भाग्य पर, इनके भविष्य पर छाई हुई है। तब तक इनका कुछ भी भला नहीं हो सकता। लास्ट में एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। जिस तरह एक तंग गली में कोई आदमी जाकर खो जाता है, ये बच्चे, इनकी किस्मत ऐसी ही तंगलियों में बंद हो गई है और ऊपर से एक नीला आसमान है जो हार्ड है, ग्लेड का बना हुआ है, जो हार्ड है, लेड का बना हुआ है, शीशे की तरह, तो वहाँ भी उड़ नहीं सकते। जैसे ना हम देखते हैं खूबसूरत बिल्डिंग्स में, होटल्स में जब हम देखते हैं तो शीशे की वॉल लगा देते हैं, तो बाहर से दिख तो रही है लेकिन हम उसे पार नहीं कर सकते। वी कैन सी, वी कैन नॉट क्रॉस इट। दिस इज द आइडिया ऑफ the poet in these lines. Clear?